ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਗਵਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੋ, ਪੂਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂ। हम इसमें जो हमारा तुगलकाबाद में दिल्ली में मंदिर जो उसको ऊपर जो अन्याय हुआ है गिराया गया है उसको सरकार की तरफ से हम वापिस सरकार के तरफ से बांधकर मांग कर रहे हैं कि वो हमें मिलना चाहिए। किस तारीख के धरना प्रदर्शन में जो हमारे बच्चे दिल्ली में पकड़े गए हैं, मैं सरकार को ये आह्वान कर रहा हूँ कि उन बच्चों को बिना शर्त कोई भी कलम उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, सभी बच्चों को छोड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी मंदिर हमारा बांध कर देना चाहिए, और नहीं तो 30 अगस्त से वापस हम जंतर मंतर पे धरने के लिए बैठ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने जो घोषणा की है कि मंदिर को उसी स्थान पर शीघ्रता शीघ्र निर्माण कराने का फैसला केंद्र सरकार ले, उसको भव्य निर्माण वहाँ पर मंदिर का करे जिससे 30 करोड़ लोगों की भावनाओं को संतुष्टि हो, जो उनको ठेस पहुँची है उसका निवारण हो और बच्चों को शीघ्रता शीघ्र जो है छोड़ा जाए और बिना शर्त छोड़ा जाए, और साथ ही साथ यदि ये नहीं होता है तो 30 अगस्त से हमारा आंदोलन जो है दोबारा शुरू होता है। कितने बच्चे हैं अंदर हाली? लगभग 90 बच्चे हैं वहाँ पर। कारण की हालत क्यों छोड़ी जा रही है जी? अभी हमने जमानत के लिए उनके लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी हमने विरोध कर रहे हैं जमानत का। लेकिन अगर ये मंदिर हाले तक ना तैयार किया गया सरकार तो अभी अगला चांस, अगर नहीं किया गया तो ये 30 अगस्त से हमारा आंदोलन शुरू है।